उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण मतदान होना है और उसके लिए प्रचार की अंतिम तारीख आज है। ऐसे में उत्तराखंड में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे हुए हैं काशीपुर के एक गाँव में और आप देख सकते हैं यहां पर कन्या पूजन कर रहे हैं। जो कन्याएं हैं उनको माला पहना करके उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर अजय भट्ट ने एक सभा भी की जिसमें लोगों को आह्वान किया कि वो आएँ और भारतीय जनता पार्टी पर मोदी की गारंटी पर वोट करें और उनको भारी बहुमत से जिताएं। भट्ट साहब, किस तरह की तैयारियाँ हैं? तैयारियां तो पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। सभी हमारे मतदान केंद्रों पर, हमारे बूथ जो होते हैं उससे बाहर हमारी एक टीम होती है जो 12 महीने ही हम काम करते हैं और पार्टियों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे बूथ अध्यक्ष उनकी टीम रहती है, जो नियम है इतनी दूर आप बैठे हैं और आपको जागृत करते हैं कि आपको मत देने जाना ही जाना है। आप हमें दीजिए, हमें अगर आपको देने की इच्छा नहीं है किसी को तो दीजिए, ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। आपके भाषण में आप लगातार मोदी की गारंटी का जिक्र कर रहे थे, जो गरीबों के हित में उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई उनकी बात कर रहे थे। क्या लगता है मोदी की गारंटी काम करेगी उत्तराखंड में? उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे देश में वही काम कर रही है। लोगों को एहसास है कि कोरोना में 3 अगर वैक्सीनेशन फ्री नहीं करते तो जीवन नहीं बचता, और अगर राशन नहीं दिया जाता 80 करोड़ लोगों को लगातार, और 5 सालों तक और बढ़ा दिया है, फ्री में राशन मिलेगा तब भी जीवन नहीं बचता। अगर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस ही बोलता हूं मैं उसको, इंश्योरेंस फ्री में नहीं किया जाता, इंश्योरेंस करने में तो किस्त पड़ती है, तो भी गरीब का जीना दूभर था। कोई भी गंभीर बीमारी होने पर उसे बचना ही नहीं था। एक से एक काम मोदी जी ने आज किए हैं, तो लोगों के अंदर चाहे कोई बेलचा चलाने वाला हो, कोई कंकड़ तोड़ने वाला हो, कोई रिक्शा तांगा चलाने वाला हो, चाहे किसी जाति किसी धर्म किसी वर्ग का हो, उसको ये एहसास है आज कि मोदी जी हैं तो हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। कांग्रेस पार्टी की तैयारियां किस तरह से हैं? हम उनकी तैयारियों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, वो अपना करते रहें और उनकी तैयारियां तो जग जाहिर है। हिट एंड रन, मारो भागो, कोई भी गलत बात कह के जाओ और उसके बाद भाग जाओ। वो तो हमने उनके नेताजी को देख रखा सदन के अंदर, बल्कि एक बार तो मैंने कहा भी था, और तो बात अलग रही, जितनी बात बोल के गए हैं अगर मुझसे ही बहस कर लें तो मैं मानूंगा कि हाँ इनको कुछ ज्ञान है। एबीपी न्यूज़ के सर्वे में एनडीए को 370 से ज़्यादा सीटें पूरे देश में मिलती नज़र आ रही हैं और उत्तराखंड की 5 की 5 सीटें आप जीतते नज़र आ रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अब की बार 400 पार जो एक नारा आया है जनता की तरफ से, जो जन सैलाब उमड़ के आ रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये नारा सत्य होने को जा रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में तो भारी उत्साह है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने इस इलेक्शन को अपने हाथ में ले लिया है, चुनाव लड़ाने के लिए खुद जनता जैसे आगे आ रही हो। इतनी वोकल कभी नहीं होती थी, चुपचाप गुमसुम रहती थी जनता, आज सब पूछ लीजिए मोदी मोदी। बड़ी संख्या में यहाँ जो लोग मौजूद हैं, मैं अपने कैमरामैन प्रेम सिंह से कहूँगा कि घर की भी तस्वीरें दिखाते रहें, कि ये लोग भी मैं देख रहा था कि लगातार आपके साथ में नारे लगा रहे थे और कहीं ना कहीं ये समर्थन नजर आता है आपको, ये सारे के सारे मतदाता आपके साथ जुड़ेंगे? ये सब मोदी जी के प्रति असीम अटूट विश्वास की कड़ी के रूप में यहाँ पर बैठे हैं, और मोदी कुछ कहेंगे तो वो गलत नहीं कहेंगे। जो एक नारा बीच में आया था, मोदी है तो मुमकिन है, वो वास्तव में लोगों को लगता है कि मोदी है तो वास्तव में हमारी भलाई है। आपने कहा कि मोदी करेंगे तो अच्छा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जो है वो सबसे बड़ी वसूली की स्कीम थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। अब उनके बारे में तो मैं सोचता हूँ कि कोई कमेंट भी ना करूँ, क्योंकि एक बच्चा होता है छोटा छोटा, वैसे तो उनका नाम पप्पू कह देते हैं, अब तो हट गया, प्यार से ही कहते हैं पप्पू, वैसे भी नहीं हट गया, अब आजकल कम बोल रहे हैं। फिर तो जब ऐसे कह देते हैं, वो कुछ भी कहता है, खिलौना टूटता है रोता है कि सब कुछ जैसे चल गया, कभी कहता है मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, कभी कुछ भी उठा लेता है, तो वो अविकसित माइंड होता है उसके। धीरे धीरे ग्रेजुअली उसके सीनियर कहते हैं नहीं बेटा, नहीं पप्पू, शांत हो जाओ, कल आ जाएगी चीज, तो फिर वो थोड़ी देर शांत हो जाता है। तो जो अविकसित माइंड के लोग हों जिन्होंने मोदी जी को गहराई ही अपना परम धर्म मान रखा है
और जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है उनके बारे में कोई कमेंट करना उचित है ही नहीं। अभी दिमाग वाली बात कर रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल और भागो। जब भी हुआ मैंने देखा कि डिस्कशन चार्ज सदन के अंदर लगाए, असर नहीं सुना, भागे। जब माननीय गृह मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री ने उतर दिया, भड़के देख रहे या नहीं देख रहे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सारे लोग वॉकआउट कर दिए। जब नेता गए तो सारे कर गए। इसी प्रकार के कई बार जैसे आरोप लगाए उन्होंने, पहले तो आते नहीं है, बोलते कम है, जब बोलते हैं तो तथ्य से परे बातें बोलते हैं, सत्य से परे बात बोलते हैं, तो उसके बाद निकल जाते हैं। ये पॉलिसी है तो तथ्य दे रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन है, उसको 150 सीटों पर ले आ रहे ढक लेंगे और इंडिया गवर्नमेंट बनेगी। इसको तो लोग कहेंगे का कहना, कुछ तो आपको कहना पड़ेगा क्योंकि आप पक्ष में है। आपको पता है कि आज भारत डूब रहा है और लोग उससे छलांग लगा रहे हैं। आपके मुक्केबाज बाहर गए हैं, आपके जो आध्यात्मिक गुरु एक माता आपके वहाँ थे, आप सब जानते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। लोगों ने कहा जब तक राहुल रहेंगे कांग्रेस कभी नहीं उभरेगी, वो कभी बाहर नहीं जाएंगे और जैसे कांग्रेस कभी उभरेगी नहीं। अब कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि डायनासोर की तरफ से ये होगी कांग्रेस की सवाल भेजगी कि अभी तो कांग्रेस थी, ये बताया जाएगा। तो और उनके जो प्रवक्ता हैं वो बाहर आ गए और राज्यों में सीटिंग MLA और जो अभी तक सांसद हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो रेस लगी हुई है। सबको पता है जहाज डूब रहा है, जो होशियार लोग हैं बुद्धिजीवी लोग हैं सुरक्षित जगहों पर आ रहे हैं, उनको पता है कि मोदी जो हैं सर्वमान्य हैं, आज विश्व में सर्वमान्य हैं, इसलिए उनके साथ आके मिल रहे हैं। और जो अचल लोग हैं, जो क्रिमिनल नहीं हैं, जिनके ऊपर कोई ऐसा चार्ज नहीं है, तो उनको हम गले भी लगाते हैं। क्या कहेंगे आज जो आप ये कन्या पूजन कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो ये सारे के सारे लोग काशीपुर क्षेत्र और नैनीताल का जो पूरा लोकसभा का क्षेत्र है वो अजय बिट के साथ है, कांग्रेस प्रत्याशी जोशी की बात करेंगे? देखिए मैं दूसरे प्रत्याशी के बारे में बोलना ही नहीं चाहता हूं, जिनको ये भी पता नहीं है आरोप कैसे लगाते हैं और आरोप किस पर लगाने चाहिए। एक आरोप लगाया कि सांसद निधि खर्ची ही नहीं हुई, दोबारा एक आंकड़े ले आए 4 साल के, खुद फंस गए अजय भट्ट, कह रहे थे सब कर दी। तो हमारे तरफ से भी वहाँ पर कई लोगों ने या जनता के लोगों ने सूचना के अधिकार में सूचना ली, तो 0 बैलेंस 100% खर्चा हो गया। अब कहाँ मुख दिखाएंगे, अब इसके बाद तो न्यायालय ही बचता है। हमारा नेचर नहीं है ऐसा करने का कि आपने एक किस्म से जानबूझकर हमारी जो एक किस्म से फेम होता है, एक जो इज्जत होती है, उसको आपने चुनाव के समय कम करने की कोशिश करी। तो ऐसे तो लोग हैं जिनको ये तर्क देना भी नहीं आता है क्या बोलना चाहिए कैसा कहना चाहिए। मैंने कई बार कहा कि मेरे विद्वान प्रतिपक्षी भाई अपना 10 रुपये खर्च करके स्टाम्प में ले आए, स्थिति तो सरकार बता देगी, नहीं बता पाए। अब तो वो ऑनलाइन है, भारत सरकार में ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन से ले लीजिए तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। तब ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या है, कहीं कैंडिडेट था नहीं, कैंडिडेट आ गए, अच्छे कैंडिडेट भी हो सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कैंडिडेट के बारे में मैं अच्छे बुरे हैं तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अज्ञानता की परिकाष्ठा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस के जितनी लीडरशिप अभी है, या तो वो जानबूझ के ऐसा कह रही है या फिर उनको ज्ञान नहीं है, बचकानी है, बहुत ही बचकानी है। एयर स्ट्राइक हो रहा है पाकिस्तान में, सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, जो पाकिस्तान बोल रहा है वही हमारे नेता बोल रहे हैं, कैसी बात है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं अंडर करंट उनके लिए है भारतीय जनता पार्टी की, इस वक्त कहीं कोई माहौल ही नहीं नजर आ रहा। हमारे वहाँ है कि मडू फोकियल आप ही देखियो, एक हमारे यहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं, मतलब ऐसा है कि बालियाँ गिरेंगी, दाने गिरेंगे नीचे, अपने आप दिखा जाएगा, इसको हम ऐसे बोलते हैं। जैसे ही नीचे गिरेंगी तो दिख जाएगा अपने आप दूर कहाँ है, 4 जून कोई दूर नहीं है, वो दिख जाएगा। वो जो भी कह रहे हैं, बुरी तरह से कांग्रेस रसातल को जा रही है। जिस कांग्रेस ने देश को रसातल को भेजा, आज वो रसातल को चले गई है। मोदी जी ने 10 सालों में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है, उन्नत देशों की श्रेणी में हम आगे हैं आज।
पूरे विश्व में यूनैनिमसली अगर किसी एक लीडर को मानते हैं तो मोदी जी को मानते हैं, इसलिए उनके पेट में दर्द होने लग गया है। मुझे लगता है कि अच्छा ट्रीटमेंट कराना चाहिए, पेट के दर्द की कोई अच्छी दवाई लेनी चाहिए। तो क्या कहेंगे, आज नवरात्र का अंतिम दिन है, आप माता पूजन करने आए हैं, देवी पूजन करने आए हैं, माता का आशीर्वाद अजय भट्ट के साथ है? माता का आशीर्वाद तो सबके साथ होता है, माँ तो करुणामयी है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती है, मेरे साथ तो है ही। और माता से प्रार्थना है, पूरे देश के साथ आपका आशीर्वाद है, नरेंद्र मोदी जी के साथ तो विशेष आशीर्वाद है, जो लगातार इतने झंझावतों को झेलते हुए बैठे हैं, सब फन लगा के, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से। पुत्र सुपुत्र की बात की आपने, कौन है इस चुनावी रण क्षेत्र का कुपुत्र, कौन है सुपुत्र? अब ये मेरा बोलना उचित नहीं रहेगा, मैंने तो ये कहा कि पुत्र कुपुत्र हो सकता, माता कुमाता कभी नहीं होती, पुत्र से गलतियां होंगी, कई प्रकार की गलतियां करेगा और ऐसी गलतियां करेगा जो अक्षम्य होती हैं। किस तरफ इशारा कर रहे हैं भट्ट साहब? नहीं नहीं, मैं किसी की तरफ नहीं कर रहा हूं, ऐसे भी होते हैं, लेकिन माता हर एक को प्यार देती है पुत्रवत, इसलिए मैंने कहा कि सबको सद्बुद्धि दे, कम से कम ये जो विपक्षी की लोग हैं और हमारे कांग्रेस के लोग हैं, ये क्या हो गया है माँ, इनको तो सद्बुद्धि दे दो, थोड़ी अपनी वाणी पर तो संयम रखें। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद करते हैं कि माँ भगवती का आशीर्वाद, जो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं अजय भट्ट, इस समय रक्षा राज्य मंत्री हैं, उनको मिले, और लगातार चुनाव प्रचार में अजय भट्ट अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं, मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, काशीपुर, उत्तराखंड।